यूपी के बुलंदशहर में कोतवाली देहात पुलिस ने देर रात मुठभेड़ के बाद एक वर्दीधारी लुटेरे समेत दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान एक वर्दीधारी लुटेरा पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर बाइक सवार दो बदमाश भागने में कामयाब रहे। पुलिस की गिरफ्त में आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, यह वर्दीधारी शातिर लुटेरा और उसका बदमाश साथी है। कोतवाली देहात पुलिस देर रात क्षेत्र में संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी, तभी 112 नंबर पर किसी ने सिकंदराबाद रोड से पुलिस को सूचना दी कि दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार बदमाश उनके साथ लूट का प्रयास कर रहे हैं। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की घेराबंदी शुरू कर दी। पुलिस को आता देख बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं, जो एक बदमाश की टांग में जा लगी। मुठभेड़ के दौरान पुलिस को दो बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। देखिए, बीती रात लगभग 12:30 बजे के आसपास डायल 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार कुल अपराधी हैं जो लूटपाट कर रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर कोतवाली देहात उनकी टीम ने मौके पर जाकर घेराबंदी की और जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस की क्रॉस फायरिंग में एक अपराधी के पैर में गोली लगी, वो घायल हो गया। इनके कब्जे से दो मोटरसाइकिलें बरामद की गई। एक मोटरसाइकिल वो थी जो जीआरपी के एक सिपाही के साथ रात में चोड़ा और सिकंदराबाद रोड पे लगभग 3:30-4 बजे के आसपास उस दिन पहले लूट की घटना हुई थी। सिपाही की वर्दी भी इन लोगों ने ले लिया था। वो वर्दी पहने हुए अभियुक्त भी मौके पे जिसको गोली लगी घायल है, वही अभियुक्त है जिसने उस वर्दी को भी उसी नेम प्लेट के साथ पहन रखा था जो वारदात के समय रात में मिला है। दूसरा अपराधी, उसका नाम साबू है, पहले का पुत्र चांद निवासी बरतौली खुर्जा देहात बुलंदशहर का रहने वाला है। ये पुलिस की वर्दी में था और वर्दी वही लूटी हुई वर्दी है जो जीआरपी के सिपाही की थी। दूसरा इसके साथ जो अभियुक्त पकड़ा गया है वो नवाब पुत्र खचेड़ू है, नगला बंजारा छतारी का है। ये बंजारे हैं मूल रूप से और घूम फिर करके लूटपाट करना इनका पेशा। इनके साथ दो लड़के और थे जो मोटरसाइकिल छोड़कर अंधेरे का लाभ लेते हुए भाग गए। उनकी भी शिनाख्त नाम पते हमारे पास हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके कब्जे से सिपाही की लूटी गई वर्दी, सिपाही की लूटी गई बाइक, इसके अलावा उस बाइक से एक बार और इन्होंने छतारी में एक बाइक लूट की घटना कारित की थी। इस घटना के दूसरे ही दिन वो बाइक भी बरामद हुई है। तो दोनों मोटरसाइकिलें जो इनके द्वारा लूटी गई थी और सिपाही की वर्दी आज बरामद कर ली गई है। इनके कब्जे से नाजायज असलहे कारतूस आज बरामद हुए हैं। इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। घायल अभियुक्त का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि दो बदमाश भागने में जरूर कामयाब रहे। पकड़े गए बदमाश साबू और नवाब हैं जो शातिर किस्म के अपराधी बताए जा रहे हैं। दोनों बदमाशों पर करीब एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक 27 जुलाई को चोला पचौता रोड पर ड्यूटी करने गाजियाबाद जा रहे जीआरपी के सिपाही संजीव के साथ इन्हीं बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था और सिपाही से वर्दी और नकदी लूट ली थी। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से दो तमंचे, चार कारतूस, एक मोटरसाइकिल, पुलिस की वर्दी और मोबाइल भी बरामद किया है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शमसुद्दीन सैफी, Time 24 न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।